नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका स्वागत है। आज हम लसोड़े या जिसको गूंदा भी कहा जाता है उसका अचार बनाएंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी अचार होता है और गर्मियों में ही बनाया जाता है। तो आइए इस अचार को बनाते हैं, काफ़ी दिन चलेगा, ये ख़राब नहीं होगा। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले ये मैंने 400 ग्राम ऑयल लिया है सरसों का। इसे गर्म करना है हमें, अच्छे से स्मोक लेवल पे लाना और ठंडा करना है फिर उसे। और ये देखिए, आधा किलो मैंने लसोड़े लिए हैं, जिसे हम लेसुआ भी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। इसे हमें धोकर अच्छे से साफ़ कर लेना है और इसकी कैप रहने देनी है। और इस तरह पानी बॉयल करना है और बॉयल पानी में इन्हें हमें डाल देना है। कैप इसलिए रहनी है ताकि अंदर पानी ना जाए। और इसे थोड़ा चलाते हुए हम इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे, लगभग हाफ कुक होने तक। तो ये 7 से 8 मिनट में हो जाएंगे। हमें हाफ ही कुक करना, हाफ बाकी अचार में मसालों में गलेगा ये। तो आप चेक कर लें कि ये कितना कुक हो गया है। तो 7 से 8 मिनट में ये जैसा हमें चाहिए परफेक्टली वैसे ये कुक हो जाएंगे। तो अभी हम देखिए निकाल लेते हैं और इन्हें आप थोड़ा ठंडा कर लेंगे ताकि हम इजीली ये कैप इसके निकाल सकें। तो इस तरह से इसका ऊपर का डंठल हम देखिए निकालेंगे और फिर थोड़ा ही इसे हम डंठल को खोल देंगे ऊपर से, तो ताकि ये थोड़ा मॉइस्चर भी इसका निकल जाएगा। और इसमें जब हम मसालों में इसे गलाएंगे तो मसालों का टेस्ट इसमें अच्छे से आ जाएगा। और इस तरह से सबको हटा करके हम कम से कम 3 से 4 घंटे या 2 घंटे मिनिमम आप धूप दिखा लें इसको, ताकि जो बॉईल किया हमने तो निकल जाए मॉइस्चर। तो ये देखिए, मैंने ये 2 घंटे धूप में सुखाया है और बहुत अच्छे से ये सूख गए हैं, मॉइस्चर निकल गया है। तो आइए अचार बनाते हैं। मसालों में देखिए, मैंने 1 छोटी चम्मच कलौंजी ली है, 1 छोटी चम्मच राई ली है पीली, इससे रंग अच्छा आएगा, 2 चम्मच मेथी, 3 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच नमक है, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच मिर्च है। और ये मैंने कैरी ली है, देखिए ऐसी 2 कैरी लेकर मैंने उसको कस लिया है। ये कैरी आप टेस्ट से कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको खट्टा चाहिए। तो एक मिक्सर जार में देखिए, हम ये राई, मेथी और सौंफ, इनको हम दरदरा सा पीस लेंगे, बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाएंगे। इस तरह से मैंने देखिए इन्हें पीस लिया है। तो ये जो तेल हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब इसमें हम अब कैट या अपना लेसुए डालेंगे, कैरी डालेंगे और अब इसमें हम एक एक करके सारे मसाले डाल देंगे। यहाँ पे आप मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको किसी का टेस्ट ज़्यादा पसंद है या कम पसंद है। इसको अच्छे से मिलाएंगे और देखिए कि अच्छे से जार में हम इसे धोकर साफ किए हुए में डालकर रख देंगे और 7 से 8 दिन में धूप दिखाने पर ये बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। और ध्यान रहे, ऊपर तक तेल रहे तो ये ख़राब नहीं होगा। तो इस टेस्टी से अचार को बनाइए और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।